हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक एंड ऑटो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं और इस वीडियो में हम एक नई TVS की बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अभी तक आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है TVS Zipline के ऊपर। जी हाँ, TVS की Zipline इंडियन मार्केट में आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली है और ये बाइक एक क्रूजर बाइक होने वाली है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एंड पावर के अंडर। प्लस कम्फर्ट के मामले में ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। TVS का ओवरऑल इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाम है। उसकी अपाचे हो गई, RTR 200 हो गई, RR 310 हो गई, ये सारी बाइकें इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही हैं। उसके साथ साथ अब TVS क्रूज़र बाइक सेक्शन में भी अपनी एक बाइक निकालने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए इसके कुछ स्पेक्स के बारे में बात करता हूँ। तो ये टू व्हीलर टाइप होने वाली है, क्रूज़र टाइप बाइक होने वाली है। इंजन डिस्प्लेसमेंट इसकी 220cc की होने वाली है, मतलब पावरफुल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी क्रूज़र बाइक होने के साथ साथ। मैक्सिमम पावर इसकी 20 BHP की होगी 8000 RPM के ऊपर। मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको 18.5 Nm का 7000 RPM पे देखने के लिए मिलेगा। ये सिंगल सिलेंडर बाइक होने वाली है, इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स आपको 5 देखने के लिए मिलेंगे। सीट हाइट इसकी 725mm की होने वाली है। बाकी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160mm का आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो कर्व वेट है वो आपको 168 kg का देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने के लिए मिलेगी, 20 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। इसके कुछ प्रोज की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गुड लुक्स देखने के लिए मिलेगी। आपको सारा डिजिटल कंसोल इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिलेगा, आपको प्रीलाइट टायर्स देखने के लिए मिलेंगे, ड्यूल चैनल ABS के साथ साथ USB 4 फ्रंट फोक्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी TVS की तरफ से। और मैं आपको अगर इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसका जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने का टाइम है वो आपको नेक्स्ट अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, आपको अक्टूबर 2022 में इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी अगर इसके हम लेटेस्ट प्राइस की बात करें तो अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये आपको एक्स शोरूम प्राइस पे 1,35,000 देखने के लिए मिलेगी। इसका जो फ्यूल टाइप होने वाला है वो पेट्रोल होने वाली है। बाकी ये बाइक आपको मल्टी कलर वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेगी, जैसे ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, आपको ग्रे कलर में भी देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको काफ़ी सारे नए नए कलर्स भी देखने को मिलेंगे TVS की तरफ से। बाकी इसमें जो एक फ्यूल सिस्टम है, इसका एक हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम होने वाला है। इसके अंदर जो आपको कूलिंग देखने के लिए मिलेगी वो आपको लिक्विड कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है ये। बाकी इमिशन नॉर्म्स के अंदर ये आपको एक BS6 देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो इसमें आपको 44 km/L की काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज देखने के लिए मिलेगी। आपको इसके जो फ्रंट टायर है वो 110/70 R70 के देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको जो रियर टायर्स हैं वो आपको 140/70 के R15 टायर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो व्हील टाइप है वो स्पोक व्हील्स होने वाला है, बाकी टायर्स इसके ट्यूबलेस होने वाले हैं। इसके अगर मैं कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको USD फ्रंट फोक्स देखने के लिए मिलेगा, ABS देखने के लिए मिलेगा, ऑल डिजिटल कंसोल होगा, फ्यूचरिस्टिक इसका डिज़ाइन है, यूनिक हाइब्रिड सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको परलाए टायर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं इसमें आपको सस्पेंशन एंड चेसी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन 41mm का USD फोक्स देखने के लिए मिलेगा, रियर सस्पेंशन में उसमें आपको मोनोशॉक देखने के लिए मिलेंगे। बाकी मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको जो डिज़ाइन हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं जो इसका डिज़ाइन हो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। प्लस इसकी जो आपको पेट्रोल टैंक की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जैसे कि 20 लीटर्स की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है तो एक क्रूज़र वे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको पेट्रोल की प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। बाकी जो इसकी माइलेज है 44 km/L की, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज है एक क्रूज़र बाइक होने के अकॉर्डिंग। बाकी मैं इस बाइक को जितना देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और ऑल ओवर जो भी क्रूज लवर हैं उनके लिए बाइक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। बाकी अगर मैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँ तो आपको पास लाइट देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको बैटरी टाइप जो है वो L-ion का देखने का मिलेगा। वोल्टेज इसमें आपको 48W की देखने के लिए मिलेगी। हेडलाइट इसमें LED है, टेल लाइट भी इसमें आपको LED देखने के लिए मिलेगी। आपको इसमें जो टर्न सिग्नल लाइट्स हैं वो LED और टर्न सिग्नल लाइट रियर सारे आपको LED देखने के लिए मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिटिंग के बारे में बात करूँ तो बाइक की जो सिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इवन जो आपके पीछे भी बंदा बैठेगा उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा
डिसेंट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, प्लस उसका जो कंफर्ट होगा वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको बैक प्रॉब्लम कोई भी देखने के लिए मिलेगी, और आपको कहीं भी ऑफ रोडिंग के लिए भी ले जा सकते हैं, कहीं भी माउंटेन राइडिंग्स के लिए भी ले जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म राइड्स के लिए भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ऑल ओवर ये गाड़ी, ये जो बाइक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज होने वाली है। तो चलिए, अगर इसके बारे में मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको और एक और वीडियो बना के लाता हूँ। अदरवाइज़ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमें प्रोवाइडेड है। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और टेक एंड ऑटो चैनल में बने रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस बाइक के बारे में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।